अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम असद रियाज़ है, PhD सोशियोलॉजी, मास्टर्स क्रिमिनोलॉजी। मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा मुतमिन हूँ डीजी पार्क्स ताहा सलीम और उनके फ्रेंड तारिक साहब से कि उन्होंने अपनी मेहनत से एक CSS कॉर्नर लॉन्च किया और जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको इसका हिस्सा बनाया कि वो आएँ और पढ़ें। और फिर कुछ वॉलंटियर टीचर्स हैं मुझ जैसे और कुछ CSS ऑफिसर्स हैं, कुछ पुलिस में हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जो कि अपना टाइम निकाल के इन बच्चों के लिए वक्फ करते हैं और उनको उनकी फील्ड के बारे में बताते हैं कि CSS एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है, पास कैसे करना है, उनको इंटरव्यूज़ के बारे में बताते हैं। देखिए, आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी भी तहसीन साहब जैसे लोग हैं जो अपने मुल्क की फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं। मेरी काविश इस लिहाज से बड़ी छोटी सी है, मैं तो सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी के लेकर आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उनका इस आइडिया को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना ही बहुत बड़ी बात है। आज का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी जो था उसके बारे में पढ़ा कि क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, उसके वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट माशरों में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्राइम किस तरह चेंज होता है, उसके वेरिएबल्स किस तरह चेंज होते हैं, फ्रॉड कैसे होता है, स्कैम कैसे होता है, उसको जांचना कैसे होता है, उनके बारे में लॉज जो हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं या एक लॉ एक मुल्क में उसको बिल्कुल नेग्लिजेंट कहता है क्राइम को और दूसरे मुल्क में उसके लिए बड़े सीवियर किस्म के लॉस हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो एजुकेशन का रोल होता है वो क्रिमिनोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंट है और जो क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या क्रिमिनल लाइफस्टाइल है उसके पीछे एजुकेशन का क्या रोल है। साफ बात है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी और आपको अपना फैमिली को चलाने के लिए कहीं से कुछ रिसोर्स जमा करने होंगे तो मोस्ट लाइकली आप जो है कुछ ऐसा काम कर बैठेंगे जो कि गलत होगा। मे भी उसके खिलाफ लॉस ना हो लेकिन वो मॉरली और एथिकली गलत होगा। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़ जाते हैं और फिर उनको जॉब नहीं मिलती है, फिर वो क्या करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो भी क्राइम और क्रिमिनल लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है तो फिर आप क्राइम की दुनिया से दूर रहते हैं, क्योंकि देखें जब आप गलत काम करते हैं तो नतीजा गलत होता है। तो ये दो चीज़ें थी जो आज मैंने अपने CSS एस्पायरेंट्स को बताएं और होप कि उनको समझ आई होंगी। फिर अभी हम इस चीज़ को इन डेप्थ जो उसकी थ्योरीज़ हैं एजुकेशन की और क्राइम की अगले वीक में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिए CSS कॉर्नर के थ्रू यूट्यूब के ऊपर, तो मैं जो आपके सवाल होंगे उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप कराची में हैं और CSS का हिस्सा बनना चाहते हैं या CSS के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहिए या अपनी CSS की तैयारी करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द CSS कॉर्नर। डीजी पार्क, ताहा सलीम और तारिक साहब इन दोनों ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो थ्रू यूट्यूब फेसबुक इनके जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है। और होप टू सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।